कैसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो कि अब तक ले आके देखे होंगे कि लोग भगवान के लिए मन्नत मांगते हैं और भगवान के लिए 200-300 सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर जाते हैं भगवान के अगरबत्ती और धूप जलाने के लिए। लेकिन ऐसे हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि ये बलिया सिकंदरपुर जमुई गांव के रहने वाले सुशांत कन्नौजिया जी हैं जो कि बलिया से चल करके मुंबई बांद्रा तक जाएंगे पैदल, और ये एमपी पार कर चुके हैं और कॉन्फ्रेंसिंग में हम आपसे इनसे बात कराएंगे कि ये एमपी में कहां तक पहुंचे हैं। आइए हमारे साथ इसी तरह बने रहिए और इनसे बात कराते हैं, रूबरू कराते हैं कि कहां तक ये बलिया से चल करके, कल हमारी बात हुई इनसे तो ये बता रहे थे कि हम इस समय एमपी पार कर रहे हैं और आज इनसे हम आपको लाइव वीडियो दिखाएंगे एमपी से कहां तक कब तक ले निकल चुके हैं और बहुत ही काफ़ी 1500 किलोमीटर दूर की पैदल यात्रा कर रहे हैं बलिया सिकंदरपुर से चल करके जाएंगे सीधे मुंबई बांद्रा। जैकी शराब के बहुत बड़े फैन हैं और ये जैकी शराब से मिलने के लिए जा रहे हैं, मिलने के बाद क्या क्या इनकी तमन्ना है और इन्हीं से हम लोग जानेंगे, बने रहिए हमारे साथ। जी इनसे बात कराएंगे कि ये कहाँ तक पहुँचे, भैया बताइए कैसे कैसे सफर है यार, कहाँ तक पहुँचे सर? मैं मैहर पहुंचा हूं और मैं मैहर सदर हॉस्पिटल में एडमिट भी हूं, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और काफ़ी दस्त हो जाने की वजह से मेरे शरीर में पानी सूख गया था, तो मैंने जब यहां आया तो यहां के डॉक्टर ने मुझे एडमिट ले लिया। मैं माता जी का दर्शन वगैरह कर करके और फिर यहां से निकलने वाला था कटनी, तो सर मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मैं जो है कि यहां एडमिट हो चुका हूं। अभी आप मैं यहीं पर हूँ, ये मैहर में सदर हॉस्पिटल में हूँ, वार्ड नंबर 1 में हूँ। यहाँ काफ़ी चाहने वाले भी लोग काफ़ी पड़े हैं। जी सर, तो आप तक ले आप मुझे ये बताइए कि सुशांत जी कहाँ से कहाँ तक की सफर कैसे कैसे किया? अच्छा ये बताइए सर, जैसे आप बलिया सिकंदर बलिया से निकले होंगे? जी सर, बलिया से जब आप निकले तो बाई रोड निकले या कैसे निकले आप? सर देखिए, जब मैं बलिया से निकला अपने सिकंदरपुर से, तो वहाँ से मैं सीधा रोड पकड़ के आया बेलथरा रोड, बेलथरा रोड से जो है सर मैं रेलवे ट्रैक पकड़ के बनारस तक आया, और बनारस आने के बाद मैं वहाँ से 4-6 लाइन पकड़ लिया, सीधे इलाहाबाद आया। इलाहाबाद आने के बाद फिर मैंने 4 लाइन पकड़ करके और यहाँ रीवा आया, रीवा से फिर मैंने 4 लाइन ही पकड़ करके 6 लाइन पकड़ करके यहाँ तक आया मैहर तक, और फिर मैं मैहर में प्रेजेंट टाइम में हूँ सर, मैं एडमिट हूँ। मैं रीवा में भी काफ़ी 6-7 घंटे मैं वहाँ भी एडमिट था, तो वहाँ से फिर मुझे 6 घंटे के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। तो फिर मैं वहाँ जी सर, आपकी तबीयत कैसी है अभी? सर तबीयत ठीक है सर, नॉर्मल है, कोई दिक्कत है नहीं। जो पेट की प्रॉब्लम थी मुझे, तो वो प्रॉब्लम मुझे अभी 7-8 घंटे से काफ़ी मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, अभी पेट का प्रॉब्लम भी सर सही हो चुका है। जी जी सर, तो अभी आपके साथ में कौन कौन है, अकेले हैं या और भी कोई यात्रा है? नहीं सर, मेरे साथ यात्रा करने के लिए मेरे साथ कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेले अपने घर से निकला हूँ बलिया टू मुंबई यात्रा के लिए। मैं मुंबई जा रहा हूँ सर जग्गू दादा से मिलने, यानी कि जैकी शराब से मिलने के लिए जा रहा हूँ, और मैं उनका अच्छा फैन हूँ, मैं काफ़ी दिनों से उनको लाइक कमेंट शेयर करता था। तो सर मैं 2020 में ही निकलने वाला था, बट मेरे घर में एक छोटी सी बच्ची थी मेरी, तो उसका देहांत हो गया, इसकी वजह से मैं 2020 में नहीं निकल पाया, और फिर बाद में जा करके कोरोना लग गया इसकी वजह से और नहीं निकल पाया। फिर सर अभी मुझे मौका मिला तो फिर मैं अभी निकला हूँ, आज मुझे घर से निकले सर 10-11 दिन हो गए, मैं 4 तारीख को घर से अपने निकला हूँ। 4 तारीख से निकले हैं सुशांत जी? जी सर, और आज 14 तारीख हो गई, तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं 4 तारीख से निकल करके, और आज की यात्रा आप लोगों को दिखा रहे हैं हमारी। तक 1 बजे तक मैं इलाहाबाद में पहुंच जाऊं, और काफ़ी धूप का सामना करना पड़ रहा है मेरे भाई। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी आवाज़ मीडिया तक और जग्गू दादा तक पहुँच जानी चाहिए, क्योंकि मेरे पैर के अंदर सब छाले पड़ चुके हैं मेरे भाई, बोलो तो मैं दिखा भी सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चलते जा रहा हूँ। मैं आप लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ, बार बार निवेदन यही कर रहा हूँ, कृपया आप मेरी वीडियो को शेयर और कमेंट करें, और इस वीडियो को जग्गू दादा तक पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि एक भाई का भला होवे।